हेलो एवरीवन, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 8, एक्सरसाइज 8.2 से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एज इट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी हम करेंगे, ठीक है। दोनों सेम है और ये दोनों ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली मतलब कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से करेंगे और बहुत ही आसान है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला इसने कि इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, आपको गिवन है कि साइन ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है फर्स्ट, एंड कोस ए प्लस बी, आपको गिवन है कि कोस ए प्लस बी जो है वो इक्वल है किसके, दिस इज अगेन 1/2 के। और फिर इसने कंडीशन दी है कि जो ए प्लस बी है, क्या बोला इसने कि ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, मतलब दोनों जीरो नहीं हो सकते। और सेकंड कंडीशन बोला है कि लेस देन इक्वल टू 90, यानी 90 के इक्वल हो सकते हैं या 90 से कम हो सकते हैं, 90 से बड़े नहीं हो सकते, दोनों का सम, ठीक है। फिर इसने बोला है कि एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल बी से, एंगल ए क्या है मेरा, बी से बड़ा है, यानी ए की वैल्यू जो आएगी आपकी वो बड़ी आएगी किससे, बी से। तो मुझे फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपली मैं फर्स्ट लेता हूं, ये मेरे पास है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है। अब मुझे देखना है यहां पे क्या है, साइन है, तो मुझे फाइंड करना है कि ये वाली वैल्यू साइन में कहां पे होती है, वो मुझे देखना है। इसको तो मैं लिख दूंगा एज इट इज साइन ए माइनस बी। अब मुझे पता है 1/2 कहाँ होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो क्या मैं 1/2 को साइन 30 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं साइन 30 डिग्री, ठीक है। यानी ए देखो, ये साइन ए माइनस बी है, ये साइन 30 है, इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू क्या है। जनरली हम क्या करते हैं, ए साइन से साइन कैंसिल आउट, क्या बचा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। बट ये कोई रूल नहीं होता है कैंसिल आउट करने वाला, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो आप सिर्फ क्या करना, इसको अपने दिमाग से काट लेना कि साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच गया ए माइनस बी इक्वल टू 30। बट पेपर पे इसको करके मत दिखाना, ठीक है, पेपर के इसको करके नहीं दिखाना है, जिससे ए माइनस बी क्या है 30। सिंपल सा है, यहां पे साइन 30 है, यहां पे साइन ए माइनस बी है, तो यहां साइन साइन सेम है, इसका मतलब ये क्या है 30 ही तो है। तो मैंने दोनों साइड जब कंपेयर किया तो मुझे मिला कि ए माइनस बी क्या आ गया 30, ठीक है। समझने के लिए ये हो गया, वैसे डायरेक्टली करने के लिए क्या करोगे, साइन से साइन कैंसिल आउट, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, डायरेक्टली कर लो। तो ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड लेते हैं, दिस इज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब यहां साइन मत ढूंढ लेना, अब मुझे ढूंढना है कॉस, ढूंढो कॉस, कॉस ए प्लस बी तो एज इट इज इक्वल टू कॉस 1/2 कहां होता है, मुझे पता है कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो पुट कर दो यहां पे कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों मुझे सिंप्लीफाई सॉल्व करनी है। फर्स्ट है हमारी ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, और द सेकेंड इक्वेशन है वो है हमारी ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही है हमारी सेकेंड इक्वेशन। जस्ट मैं इनको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड करो, इनको क्या मिलेगा, ऐड करोगे तो माइनस का बी प्लस बी कैंसिल आउट, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 90, और ये 2 उधर जाएगा डिवाइड बाय 2, मीन्स दिस इज इक्वल टू 45, तो a क्या आ गया मेरा 45। अब इस a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, जिसमें पुट करना चाहो मैं 2 में रख रहा हूं, वी गेट, ठीक है, 2 में मैंने रखा, तो मेरे पास 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a की वैल्यू क्या है 45, प्लस b मुझे निकालना है इक्वल टू क्या है 60, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, ये इधर जाएगा तो माइनस का 45,
यानी बी क्या हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब कंडीशन चेक करना चाहो, इसने बोला था ए बी से बड़ा है, बिल्कुल ए बड़ा है, दोनों का सम जो है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 45 प्लस 15 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये क्या है दोनों से 60, 0 90 के बीच में भी है, यानी सारी कंडीशन से ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करें। ठीक है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 एक्सरसाइज 8.2 का, इसके बाद सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।